मैं हूं पंडित युगवीर जैन। हमारे आज के इस वीडियो में हम मिथुन लग्न की चर्चा करेंगे। मिथुन लग्न में हम भूत की चर्चा करेंगे। अगर आपके लग्न कुंडली में यहाँ पे 3 नंबर लिखा हुआ आता है तो हम इसे मिथुन लग्न की कुंडली कहते हैं ज्योतिष शास्त्र में। और इस कुंडली में अगर बुध ग्रह की 12 भावों में स्थिति आपको कैसा फल देगी, इसके बारे में हम आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। हम हमारे पुराने वीडियो में मेष लग्न के लग्न की कुंडली में सारे ग्रहों की चर्चा कर चुके हैं, सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि। फिर हम वृषभ लग्न के भी सारे ग्रहों की चर्चा कर चुके हैं हमारे पुराने वीडियो में। तो हमारे इस वीडियो में हम अब शुरुआत कर रहे हैं मिथुन लग्न की। हम बात करते हैं बुध लग्न की। मिथुन लग्न वाले बहुत ही बुद्धिशाली लोग होते हैं क्योंकि वो बुध प्रधान होते हैं। मिथुन लग्न की कुंडली में बुध लग्नेश होता है। टैलेंटेड लोग होते हैं, बहुत बुद्धि प्रधान लोग होते हैं, बिजनेसमैन लोग होते हैं, गणित में प्रवीण लोग होते हैं, बड़े बड़े सीए जो लोग बनते हैं उनकी कुंडली में बुध का बलवान होना बहुत जरूरी होता है। अच्छे अच्छे जो व्यापारी होते हैं, जो सफल व्यापारी होते हैं, उनकी कुंडली में बुध का बलवान होना बहुत जरूरी होता है। अगर आपकी कुंडली में बुध कमजोर है, नीच का है, खराब स्थिति में बैठा हुआ है तो आपको व्यापार में बार बार नुकसानियां होगी। आपके दूसरे ग्रह सपोर्टिव होंगे तो भी आपको जहाँ होना चाहिए व्यापार में वहां तक आप पहुंच नहीं पाएंगे। इसके लिए अपनी कुंडली में बुध की स्थिति देखना बहुत जरूरी है। और मिथुन लग्न में तो और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो लग्नेश है, सुखेश है, प्रॉपर्टी का स्वामी है, घर कब होगा इसकी जानकारी बुध देगा। आपके हेल्थ के बारे में, सफलता के बारे में, बुद्धि कौशल्य के बारे में, अनेक प्रकार से बुध की स्थिति के अनुसार जीवन में फल पता चलेंगे। अब हम बात करते हैं मिथुन लग्न में 1 भाव में बुध की। अगर बुध ग्रह लग्न में 1 भाव में बैठे हुए हैं तो ये आपको बहुत ही बुद्धिमान बनाएंगे, जहां तक बहुत ही बुद्धिशाली होगा, वाक् चातुर्य मिलेगा, कब कहाँ पे क्या बोलना है, बहुत वाक् चातुर्यता बहुत अच्छी होगी। जातक गणित में होशियार होगा, जातक बैंकिंग सेक्टर में सक्सेसफुल हो सकता है, जातक कंसल्टेंसी लाइन में सक्सेसफुल हो सकता है, जातक कमीशन के कामों में सक्सेसफुल हो सकता है, जातक एजेंसी लाइन में सक्सेसफुल हो सकता है। अब अगर बुध यहाँ पे बैठा है तो ये आपको विनोदी स्वभाव का बनाएगा, सेंस ऑफ ह्यूमर आपका बहुत अच्छा होगा, आप दिखने में अच्छे होंगे। आपका एक अगर यहाँ पे स्वग्रही बुध है तो एक प्रकार का पंच महापुरुष योग बनेगा जो आपको जीवन में सक्सेस, सफलता, खुद का घर, वाहन, प्रॉपर्टी, सुख, जीवन में आप सुखी रहेंगे। वाहन का सुख होगा, 4-व्हीलर होगा आपके पास, आपके पास घर का सुख होगा, आप अच्छी जिंदगी जिएंगे। यहाँ पे बुध का होना अच्छी स्थिति में बहुत अच्छी जिंदगी का इंडिकेशन देता है। अब अगर हम बात करते हैं अगर बुध यहाँ पे प्रथम भाव में नहीं है, अगर बुध अगर दूसरे भाव में बैठा है अब हम मिथुन लग्न में बुध की दूसरे भाव में चर्चा करेंगे। अगर मिथुन लग्न की कुंडली में बुध आपके दूसरे भाव में बैठा है तो ये चंद्रमा का घर है, ये बुध की शत्रु राशि है, लेकिन लग्नेश धन भाव में गया, इसके लिए आपको जीवन में धनी बनाएंगे। इस यहाँ पे भी वाक् चातुर्य मिलेगा क्योंकि वाणी का स्थान है, ये धन का स्थान है, इसलिए धन में वृद्धि होगी, बैंक बैलेंस अच्छा होगा। ये कुटुंब का स्थान है, कुटुंब का सुख अच्छा मिलेगा, लेकिन मतभेद भी होगा क्योंकि वो शत्रु का स्थान है, शत्रु राशि में होंगे बुध यहाँ पे। लेकिन ओवरऑल में बुध की यहाँ पे स्थिति आपको अपने वाणी से आप व्यापार, अपने वाणी से आप धन कमाएंगे, आप अपने बुद्धि से, होशियारी से धन कमाएंगे। तो बुध की स्थिति यह भी होना आपकी कुंडली में एक अच्छा इंडिकेशन है। माता से लाभ होगा क्योंकि इस कुंडली में बुध चतुर्थेश भी है, तो धन भाव में होने से माता से लाभ होगा, माता से सपोर्ट मिलेगा, माता का आशीर्वाद अच्छा होगा, मित्रों से सहयोग मिलेगा, दोस्तों से हेल्प मिलेगी। इस तरीके से मकान वाहन के योग बनेंगे, थोड़ा डिले से बनेंगे, शत्रु राशि में है लेकिन बनेंगे। इस तरीके से बुध का यहाँ पे होना, धन भाव में होना भी आपके लिए अच्छे फल देगा। अब हम बात करते हैं मिथुन लग्न में बुध की तीसरे भाव में। अगर मिथुन लग्न की कुंडली में बुध तीसरे भाव में बैठे हैं तो ये आपको पराक्रमी बनाएंगे, साहसी बनाएंगे, सूर्य की राशि में है, छोटे भाई बहनों से लाभ होगा, अच्छा प्रेम रहेगा, पराक्रमी होंगे, 32 साल से विशेष भाग्य गए होगा। इस तरीके से तीसरे भाव में भी बुध का फल अच्छा मिलेगा। अब हम बात करते हैं लग्नेश बुध की चौथे भाव में। यहाँ पे बुध हो जाएंगे उच्च के, जिसे इंग्लिश में एक्सोल्टेड साइन कहा जाती है। अब अगर लग्नेश बुध चौथे घर में उच्च के है तो इससे अच्छी स्थिति हो नहीं सकती क्योंकि लग्नेश का सुख स्थान में उच्च का होना आपको जीवन में सुखी बनाएगा, आपको सक्सेसफुल बनाएगा, आपको मकान, वाहन, माता का सुख बहुत अच्छा प्राप्त होगा और ये पंच महापुरुष योग यहाँ पे बहुत ही पावरफुल बनेगा। लेकिन पिता के स्थान पे, व्यापार स्थान पे इसकी नीच की दृष्टि होने के कारण कुछ पिता संबंधी चिंता, कुछ व्यापार में कुछ परेशानियां जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन ओवरऑल में जीवन में आपको बहुत ही हेल्थ अच्छी रहेगी, सफलताएं मिलेंगी, आपका दीर्घायुष्य प्राप्त होगा। अगर यहाँ पे अष्टमेश भी बलवान है तो
ये बुध के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी होगी, स्मरण शक्ति बहुत अच्छी होगी, बोलने की शक्ति बहुत अच्छी होगी। आपको यहाँ पे बुध का होना, पंच महापुरुष योग में होना, शेयर सट्टे में भी आपको लाभ कराएगा, लेकिन साथ में उसके साथ पंचमेश का भी देखना जरूरी होगा। पंचमेश की स्थिति भी अच्छी होनी वहां पे जरूरी हो जाएगी। अब हम बात करते हैं बुध की पंचम भाव में। अगर आपकी मिथुन लग्न की कुंडली में यहाँ पे 7 नंबर में बुध बैठे हुए हैं तो ये पंचम भाव में बुध कहलाएंगे। लग्नेश पंचम भाव में होने से एक तो ये पंचम भाव बुद्धि का भाव है, और यहाँ पे बुध का होना इंसान को सात्विक बुद्धि प्राप्त होती है। इंसान कभी किसी का बुरा नहीं सोचता है। इसकी लाभ स्थान पर दृष्टि पड़ने से जीवन में लाभ बहुत अच्छे होते हैं, उत्तम प्रकार के लाभ कमाता है। खुद की मेहनत से इंसान अच्छी आवक अर्जित करता है, तो यहाँ पे भी बुध का होना बहुत अच्छी सिचुएशन है। खुद का घर मकान वाहन के योग भी यहाँ पे बहुत अच्छे बनेंगे। 32वें साल से विशेष भाग्योदय होगा, तो बुध की स्थिति यहाँ पे भी आपको, यहाँ पे विशेष आपको बुद्धि क्षमता बहुत अच्छी होगी। संतान सुख बहुत अच्छा प्राप्त होगा। शेयर सट्टे के लिए आप किसी को भी सलाह देंगे तो आपका शेयर सट्टे में आपका नॉलेज बहुत अच्छा होगा और आप उससे पैसा भी कमा सकते हैं। लेकिन साथ में शेयर सट्टा एक ऐसी लाइन है जिसमें सिर्फ एक ही स्थान नहीं देखा जाता है, धन भाव देखा जाता है, व्यापार भाव देखा जाता है, शेयर सट्टे का पंचम भाव देखा जाता है, नुकसानी का भाव देखना जरूरी होता है, लाभ के योग देखने जरूरी होते हैं, भाग्य स्थान देखना जरूरी होता है। इसके लिए शेयर सट्टे के लिए खाली कभी भी सूक्ष्म जानकारी जानकर बड़ी रिस्क नहीं उठानी चाहिए। अब हम बुध की बात करते हैं छठे भाव में। अगर आपके लग्नेश चतुर्थेश बुध छठे भाव में, तो ये बुध के लिए अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि शत्रु राशि में है और खड्डे में है। छठे रोग स्थान में बुध कई बार चरम रोग देता है। उम्र के साथ साथ कई बार चरम के संबंधी, चमड़ी के संबंधी कुछ ना कुछ खुजली है, छोटी मोटी बीमारियां है, इस तरह की देखने को मिलती है। दूसरी बात यह है, चतुर्थेश छठे घर में होने से माता से मतभेद बढ़ेगा। खुद के मकान वाहन संबंधी समस्याएं आएंगी, मकान वाहन बनाने में डिले होगा, परिवर्तन करने के लिए विलंब आएंगे। लग्नेश छठे घर में होने से हेल्थ संबंधी इश्यूज आ सकते हैं, छोटी मोटी हेल्थ की समस्या आ सकती है। ऐसी कुंडली हो तो ऐसी सिचुएशन में आपको पन्ना धारण करना बहुत लाभकारी होता है। पन्ना और उसके साथ नीलम धारण करना सोने में सुहागे जैसा लाभ देगा। लग्नेश बुध यहाँ पे सप्तम भाव में। अगर आपकी कुंडली में बुध 7वें घर में बैठे हैं, लग्नेश चतुर्थेश हो गई तो केंद्र भाव है लेकिन शत्रु का स्थान है। यहाँ पे चतुर्थेश सप्तम स्थान में होने से जीवन साथी अच्छा प्राप्त होगा। बुध बहुत ही सात्विक ग्रह है लेकिन जीवन साथी के साथ मतभेद देता है, क्योंकि बुध एक बालक का स्वरूप जैसा ग्रह है और वाक् चातुर्यता होती है। इसके लिए जीवन साथी ऐसी मिलती है जो बहुत सात्विक होगी, बहुत अच्छी होगी, बहुत भाग्यशाली होगी। उनके आने के बाद सुख समृद्धि में वृद्धि होगी, बहुत सुख प्राप्ति होगी, लेकिन मतभेद होगा। वो बहस करवाता है बुध ग्रह यहाँ पे होगा। एक तो लग्नेशों के केंद्र में जाएगा तो आपको सफल बनाएगा, लग्न स्थान पर उसकी पूर्ण दृष्टि होगी, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी होगी। चतुर्देश केंद्र में होने से घर मकान वाहन की प्राप्ति भी आपको युवा अवस्था में सही समय पे हो जाएगी, अगर दूसरे ग्रह ज्यादा नकारात्मकता में नहीं है तो, और ये पाप प्रभाव में नहीं है तो आपको जीवन में हर तरह की सुख की अच्छी प्राप्ति होगी। अब हम लग्नेश और चतुर्थेश बुध के अष्टम स्थान में बात करते हैं। अगर बुध अष्टम स्थान में बैठे हैं तो ये भी अष्टम स्थान के बुध विलक्षण बुद्धि देते हैं और ये मित्र राशि है। बुद्धि चातुर्यता उस व्यक्ति की दूसरे कई लोगों से बेहतर होती है। लेकिन लग्नेश अष्टम स्थान में होने से, चतुर्थेश अष्टम स्थान में होने से कुछ शुभ फलों में जातक को विलंब होता है और कई बार कुसंगति से, ऐसी बुध की स्थिति में कुसंगति से बचना चाहिए। कई बार बुद्धि गलत रास्ते पे भी, गलत संगति में इंसान की भटक जाती है। बाकी ओवरऑल में देखा जाए तो ये बुध भी अच्छा है लेकिन प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों में डिले करवाता है, मकान से, वाहन से संबंधित कार्यों में ये डिले करवाता है। और कुछ कई बार शादी के बाद ऐसी स्थिति में माता के साथ मतभेद बढ़ सकते हैं। लग्नेश बुध की नवम भाव की स्थिति। अब हम बात करते हैं नवम स्थान में बुध की। अगर मिथुन लग्न में आपके नवम स्थान में बुध बैठे हैं तो यहाँ पे लग्नेश नवम स्थान में अपनी मित्र शनि की राशि में जाएंगे। यहाँ पे मित्र क्षेत्री होने के कारण बुध यहाँ पे बहुत अच्छा फल देंगे। लग्नेश नवम स्थान में होने के कारण जातक को धार्मिक बनाएंगे, दयालु बनाएंगे, जातक के जीवन में धार्मिक यात्राएं होंगी, जातक की बहुत ही सात्विक बुद्धि होगी, वो कभी किसी का बुरा करने का सोचेगा नहीं, उसको जीवन में सफलताएं मिलेंगी, उसकी विदेश यात्रा की भी संभावना बनेगी अगर दूसरे योग सहयोग कर रहे हैं।
खुद के प्रॉपर्टी मकान के योग बनेंगे। माता का आशीर्वाद, प्रेम स्नेह और माता का सुख लंबे समय तक जातक को मिलेगा। और दूसरी चीज, अगर लग्नेश की जिस तरह बात करें, जातक स्वस्थ रहेगा अगर रोग स्थान और लग्न स्थान पाप प्रभाव में नहीं है तो। इस तरीके से नवम स्थान का बुध बहुत अच्छे फल देगा अगर वो पाप प्रभाव में नहीं है तो यहाँ पे बुध की स्थिति होना मिथुन लग्न में बहुत अच्छी स्थिति है। और ऐसी स्थिति में भी अगर बुध है, अगर मिथुन लग्न की कुंडली है, तो पन्ना नीलम जरूर धारण करके इनका बल बढ़ाना चाहिए। तो अगर वो कमजोर स्थिति में हो तो उसका उसका खराब असर कम होगा, और अच्छी स्थिति में है तो उसकी पॉजिटिव एनर्जी आपके जीवन में बढ़ेगी और कार्यों की रुकावटें दूर होंगी, सफलताएं मिलेगी। मिथुन लग्न की कुंडली में हम बात करते हैं बुध की दशम भाव में। ये मैंने एरो क्यों बनाया, मैंने पहले यहां भी बनाया था। यहाँ पे अगर बुध होगा तो बुध नीच का हो जाएगा, इंग्लिश में डेबिलिटेड साइन इसको कहा जाता है। अगर बुध यहाँ पे आया तो ये बुध के लिए अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि कोई भी ग्रह ज्योतिष शास्त्र में अगर आपकी कुंडली में नीच का होता है तो वो खराब फल देता है, अच्छे फल नहीं देता है। अब लग्नेश का यहाँ पे नीच का होना पिता संबंधी चिंता देगा, व्यापार में नुकसानियां देगा, व्यापार में संघर्ष देगा, ये बहुत खराब स्थिति है व्यापार के लिए। पिता से मतभेद देगा, पिता संबंधी चिंता देगा, तो यहाँ पे अगर बुध नीच का है तो बुध के जाप, उपाय, दान, ये सब चीजें योग्य ज्योतिषी को दिखा के जरूर करने चाहिए। अगर बुध यहाँ पे है तो हेल्थ संबंधी चिंताएं भी देगा, मतलब बड़ी उम्र में घुटने की संबंधी तकलीफ भी आ सकती है, गवर्नमेंट से नुकसान हो सकता है, बड़े उच्चाधिकारियों से संबंध खराब हो सकते हैं, और विशेष करके बुध की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशाओं में तो इसके उपाय करने बहुत जरूरी होते हैं, नहीं तो बहुत मानसिक तनाव, मेंटल स्ट्रेस से गुजरना पड़ सकता है। और शेयर सट्टे से भी ऐसे में दूर रहना चाहिए जातक को, क्योंकि शेयर सट्टे का कारक ही बुध ग्रह है। व्यापार में निवेश बहुत सोच समझ के करना चाहिए, कहीं भी अचानक नुकसानी ये बुध देता है। अब हम बात करते हैं बुध की 11वें स्थान में। अगर लग्नेश बुध लाभ स्थान में जाते हैं तो ये यहाँ पे अच्छी आवक का योग करेंगे। लाभ स्थान में शत्रु क्षेत्री है, लेकिन लाभ स्थान में होना बुध के लिए अच्छा है, लग्नेश होके जाना अच्छा है। जीवन में बहुत उत्तम प्रकार के लाभ होगा, बुध से संबंधित व्यवसाय में भी बहुत लाभ होगा, जैसे कि अकाउंटिंग की लाइन है, सीए की लाइन है, बैंकिंग सेक्टर है, कमीशन की लाइन है, या अन्य और भी व्यापार, सारे व्यापार बुध के अंदर आते हैं। एक व्यापारी ही अच्छा व्यापारी होना बुध सफल कुंडली में अच्छे बुध की देन होता है, तो बुध की यहाँ पे स्थिति होना बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी आवक होगी, लेकिन थोड़े विलंब के साथ शत्रु क्षेत्री होने के कारण। अब हम मिथुन लग्न में 12वें भाव में बुध की चर्चा करते हैं। अगर आपकी कुंडली में बुध यहाँ पे बैठा है, 12वें घर में बैठा है, तो ये नुकसान ही देता है, क्योंकि 12वें घर का बुध देवालिया बुध कहलाता है। 12वें घर के बुध, हमने बड़ी बड़ी कुंडलियां देखी है, भले अगर कोई आदमी 10-15 लाख के टर्नओवर में काम कर रहा है तो उसको 10-15 लाख का नुकसान होता है, जो आदमी 2-4 करोड़ के टर्नओवर में कर रहा है तो यहाँ पे बुध है तो उनको 2-4 करोड़ का नुकसान होता है, जो आदमी 50-100 करोड़ के टर्नओवर में काम कर रहा है उसको उतनी बड़ी नुकसानी ये बुध देता है। जिस लेवल पे आप काम कर रहे होंगे उतनी बड़ी नुकसानी ये बुध देता है, इंसान को शिखर से जमीन पे गिरा देता है। ऐसा बुध हो तो उसके उपाय करने बहुत जरूरी है, और क्या व्यापार में वगैरह उधारी के काम में बहुत संभल के काम करना चाहिए, उधार नहीं देना चाहिए, ब्याज का काम वगैरह बहुत संभल के करना चाहिए, नहीं तो आपका पैसा डूब जाएगा। तो ऐसे बुध में बहुत ही संभालने की जरूरत होती है, और माता से संबंधी चिंता आती है यहाँ पे, मकान प्रॉपर्टी वाहन में भी डिले होता है, उनसे संबंधी भी कुछ चिंता वगैरह जातक के जीवन में देखने को मिलती है, लेकिन यात्रा के योग जरूर यहाँ पे कुछ बुध के कारण बनते हैं। लेकिन यहाँ का बुध कभी भी अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि ये व्यापार में अचानक नुकसान या तो देता ही है। ये हुई हमारी मिथुन लग्न की कुंडली में 12 भावों में बुध की चर्चा। अब अगर आप हमारे कार्यालय से अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो हमारा कंसल्टेंसी चार्जेस पे करके फोन पे अपॉइंटमेंट बुक करा के अपनी कुंडली के हर सवाल का, कठिन से कठिन प्रश्नों का उत्तर आप जान सकते हैं, समाधान प्राप्त कर सकते हैं। मुझे कई बार कुछ लोगों का व्हाट्सएप आता है कि ऐसे ही सीधा जन्म डेट वगैरह भेज देते हैं, लेकिन ये गलत है। आप किसी भी ज्योतिषी से कंसल्ट करते हैं, किसी से भी, तो उनका पहले योग्य, उनका जो मेहनताना है उनको उनको पूछ के उनको देना चाहिए, फिर ही अपनी कुंडली बतानी चाहिए। ये शास्त्रों में कहा गया है कि देव गुरु और ज्योतिषी या कभी भी खाली हाथ नहीं काम करवाया जाता है, नहीं तो उनका फल नहीं मिलता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारे अगले वीडियोस को देखने के लिए। नमस्कार।